ಎಂಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇ आज इसका डेड हुआ है। पांच महीने पहले उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया है। सुकुमार कलक के तीन बच्चे हैं साहब। इन बच्चों को देखकर बराबर आप जल्द से जल्द इनका कंपनसेशन दीजिए। नगर पालिका डीसी ऑफिस के सामने सत्ता के साथ धरना बैठेंगे। हम हमारा हक मांग रहे, ना कारपोरेशन से भीख मांग रहे। आज जो वाटर सप्लाई के तमाम ऑपरेटर जो मिलकर एकजुट होकर यहाँ पर स्ट्राइक पे आए हैं, ये स्ट्राइक पे आने का एक रीजन ये है कि जब भी कोई ऑपरेटर ऑन ड्यूटी मर जाता है तो उसका डी एंड हो जाता है, चाहे वो जिंदगी भर काम करना हो। जब तक वो काम करता है उसके लिए भी, जब भी पगार का टाइम आता है तो पगार के लिए भी स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है लोग को। ये महानगर पालिका के जब से वाटर बोर्ड बना है तब से ये लोग काम कर रहे हैं। इनके लिए आज तक कोई ऐसा एक रेगुलेशन पास नहीं किया गया, क्योंकि जब भी एक गवर्नमेंट ड्यूटी होती है तो उसका टाइम पीरियड खत्म होता है तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, और उसके साथ अगर उन रिटायर होता है तो उसको उनके बीवी बच्चों के लिए कुछ रखा जाता है। लेकिन ये जो वाटर बोर्ड के जो तमाम ऑपरेटर है, तब तक ये ड्यूटी करना है, ड्यूटी करते हैं तब इनका एंड होता है, डेड होता है। तो यकीन मानो ये तमाम हर चीज से डेड हो गया इनका। मैं कॉर्पोरेशन महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से, जादव साहब से, और हमारे आपके जो मेयर हैं, मेयर से, डिप्टी मेयर से, तमाम चारों चेयरमैन से एक अपील करता हूं कि ऑपरेटर रात दिन करके बराबर हर वार्ड में बराबर सप्लाई करते हैं। उन्हों अपनी जान का नहीं देखते, ना रात का देखते, ना दिन का देखते, ना फैमिली का देखते, ना कोई चीज़ का देखते। बराबर रात हो दिन हो जाकर जो है ना बराबर ऑपरेटर अपना काम करता है। मैं महानगर पालिका से ये आवेदन करता हूँ कि इन्हों जब भी कोई ऑपरेटर का जब भी ऑन ड्यूटी डेड होता है तो इसके लिए खास करके एक रेगुलेशन पास किया जाए कि जब भी किसी ऑपरेटर का डेड होता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाए। इससे पहले भी तीन चार जनों का डेड हो चुका है तो वहां पर एलएनटी वर्सेस महानगर पालिका ये लोग मिलकर उसको कंपनसेशन दिया गया है। लेकिन ये जो शिवकुमार है, ये वार्ड नंबर 19, 18, 13 ये वार्डों को जो है ना ये सप्लाई दिया करता था बराबर। ये जब अभी छोटा था, बिल कलेक्टर था, उसके बाद जो है ना इसको ऑपरेटर बनाया गया बराबर। ये बच्चा बराबर अपनी ड्यूटी पे कायम रहा है। आज इसका डेड हुआ है, जब 5-6 महीने हो गया इसका डेड होकर, जब इसकी डेड बॉडी रखी गई थी, ये लोग, इसके फैमिली वाले लोग, इसके एरिया वाले लोग, तमाम ऑपरेटर लोग ये बॉडी को उठा नहीं रहे थे। तब इलेक्शन का पीरियड था, हम खुद भी वहां पर जाकर एमएलए कनीस फातिमा जी, हमारे एक्स मेयर सैयद अहमद साहब और दीगर कुछ कारपोरेटर थे और जिम्मेदारान थे, ये लोग को जाकर ये बताया गया आप डेड बॉडी को तस्वीन करो, इसके बाद जो भी होता है इसका कंपनसेशन जो भी होता है हम कमिश्नर को बोलकर, एलएनटी को बोलकर, शिवकुमार को बोलकर जो है ना बराबर इनका कंपनसेशन हम दिलाएंगे। लेकिन एक बार जब भी इसका डेड होता है, ऐसा नहीं होना कि भाई किसी का भी डेड हो गया है तो भीख मांगते फिरो, क्योंकि जिंदगी भर मेहनत करते हैं लोग, तमाम आवाम के लिए मेहनत करते हैं लोग, मेहनत करने के बाद इनका फल इनको देना चाहिए। मैं सबसे महानगर पालिका से, हमारे एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी से, और आलम प्रभु साहब से, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर पिरंग साहब से, हमारे शन प्रकाश पाटिल साहब से, केकेआरडीबी चेयरमैन अजय साहब से, मैं तमाम ये बड़े लीडरों से ये अजीजाना अपील करता हूँ कि जब भी अगर कोई ऑनलाइन ऑन ड्यूटी कोई ऑपरेटर का या डेड होता है तो बराबर इसको एक कंपनसेशन फिक्स किया जाए।
क्योंकि इससे पहले 15 से 16 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया है। अभी शिवकुमार एक छोटा है, इसके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को देखकर बराबर आप जल्द से जल्द इनका कंपनसेशन दीजिए। अगर नहीं देंगे तो इंशाल्लाह हम तमाम कारपोरेटर भी ये तमाम ऑपरेटर के साथ इंशाल्लाह धरने पे बैठेंगे। अगर नहीं हो रहा तो बराबर हम रोड मिला करके भूख हड़ताल भी बैठेंगे इंशाल्लाह। आज पीर का दिन 23 तारीख को सुबह 10 बजे से एक दिन का धरना सत्याग्रह हमने तय किया है। ये धरना सत्याग्रह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इटाचू से गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन तक रखा गया था। हमने बाबा साहेब को फूल माला डालकर उनके बताए हुए संविधान के हिसाब से हम हमारा हक मांग रहे, ना कॉरपोरेशन से भीख मांग रहे। आज धरना करने का मकसद, आज को 5 महीने पहले जीव जला बीमा वाला कार्मिक कल्याण अभिरजी संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सुकुमार कलक बोल को थे, उनका ध्यान धोकर 5 महीने पूरे हुआ। आज को मुझे कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने गाइडलाइंस दिया, अरे रफीक भाई सुकुमार कलक का ESI PF अगर कट होता है तो उसका ध्यान ऑन ड्यूटी हो या घर में हो या नेचुरल डेथ हो, उसको तो कंपोजिशन देना ही देना है। उन्होंने कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, हमने पिछले 20 या 25 सालों से गुलबर्गा शहर को रात और दिन एक कर गुलबर्गा शहर की आवाम को मीठा पानी पिलाते हैं, उसी का सीला ये कॉरपोरेशन KOWC LNT आज हमें दे रही है। भाई मैंने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब और गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर, चारों चेयरमैन, पूरे रूलिंग पार्टी के कॉरपोरेटर और अपोजिट पार्टी के कॉरपोरेटर, जितने भी गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के 55 कॉरपोरेटर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये सुकुमार कलक साहब का देहांत हो गया आज को, 5 महीने पहले उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ उनका पहले कंपनसेशन देने की कोशिश करें। सेकंड प्रपोजल हमारा ये है, गुलबर्गा इंटर सिटी साउथ हो या नॉर्थ हो, रात और दिन 24/7 हमने काम करते हैं। यही पुलिस डिपार्टमेंट हमें डंडे से मारते हैं हमारे पीठ पे, रात दिन हम आवाम को पानी पिलाते हैं, यही पुलिस डिपार्टमेंट हमें डंडे से पीठ पे मारते हैं क्या कर रहा है साहब, हमने वाटर सप्लाई का नल खोल रहा है तो तेरा ID कार्ड कहाँ है बोलकर ये डिपार्टमेंट पूछता है, तो हमें क्या बताना है डिपार्टमेंट को। फिर हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, साहब हम नल छोड़ने वाले हैं, बोले तो जब वो लोग छोड़ देते हैं। हमें पिछले 15-20 साल से बराबर कंटिन्यू कॉरपोरेशन के दरवाजे खटखटाते हैं एक ID कार्ड के लिए, साहब हमें एक ID कार्ड बनाकर जो गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से, लेबर एक्ट के हिसाब से हमें एक ID कार्ड बनाकर जो हमें काम करने सहूलत हो सके। सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारा ये है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से एक जियो कॉपी आया, एक ऑर्डर कॉपी आई, कलबुर्गी महानगर पालिके में वाटर सप्लाई में जो आउटसोर्स के कार्यकर्ता काम करते हैं उनका डेट ऑफ जॉइनिंग, उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर गवर्नमेंट को भेजो बोलकर। हमने पिछले 2-2.5 साल से लगातार कमिश्नर साहब के पास आते हैं,
गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मैडम कनीज फातिमा साहेबा खुद कारपोरेशन को दो बार आकर कारपोरेशन कमिश्नर साहब को बोले इनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो फौरी गवर्नमेंट को भेजो। मैं वहाँ असम्बली में आवाज़ उठाकर इनके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हल कर दूँ बोलकर आज तक कारपोरेशन कमिश्नर साहब हमारे डॉक्यूमेंट भेजे नहीं। क्या कैके आवाज़ से नहीं भेजे वो रीज़न उनको मालूम है, उनको पता है। लोग ये कहते हैं, ऑफिसर बड़े बड़े लीडर ये कहते हैं गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन के कमिश्नर साहब अच्छे हैं, वर्कर का साथ देते हैं, हमें भी खुशी है। ऐसा ही कमिश्नर साहब गुलबर्गा को होना चाहिए, जो वर्कर के साथ जुड़ता है वैसे ही कमिश्नर साहब की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। हमारे सामने कमिश्नर साहब ये जादव साहब को, ये केश पाटिल साहब को एक नहीं 10 मरतबा बोले हैं इनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो फौरी मंगा कर गवर्नमेंट को भेजो बोलकर। ये केएच पाटिल, ये जादव साहब के सर पर जू अभी रेंग नहीं रही है, इसलिए आज हमें इतना बड़ा धरना करना पड़ रहा है। मैं कमिश्नर साहब के साथ साथ उनके एक ऑफिसर आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं साहब आपसे, ये जो हमें लेटर दे रहे हैं इसमें सारे हमारे जो कंडीशन है वो कंडीशन लिखे हैं, वो कंडीशन को हम आपको 4 बजे तक का टाइम देते हैं, 4 बजे तक का टाइम देते हैं, वो एक लेटर पे लिख कर देना होगा। हमारे डॉक्यूमेंट इतने दिन में हम भेजेंगे, हमारा आईडी कार्ड इतने दिन में हम देंगे, सुकुमार कलक का कंपोजिशन हम इतने दिन में हम देंगे बोलकर। सुकुमार कलक के 3 बच्चे हैं साहब, एक 6 महीने की बच्ची है, एक 2 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, अम्मा भी बेवा है और उसकी बीबी भी बेवा हो गई। उन्हें 20 साल गुलबर्गा सिटी में रात दिन एक करकर 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी कर अवाम को मीठा पानी पिलाया है, उसलिए आज कमिश्नर साहब उसको कंपोजिशन देने में जरा लेट कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल सर्विस दिया ना उन, उसका बहुत बड़ा खोटा रहता है। गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से ESIPF हमारा जो कट होता है आप अपने घर से नहीं दे रहे साहब, आपका एक लेटर होना है हमको खाली, आप एक लेटर ESI हॉस्पिटल को लेटर करो, ये कार्मिक हमारे पास यहाँ काम करता था, इसको इसका डेथ हो गया है, इसको कंपोजिशन दीजिए बोलकर, आपके एक लेटर की ज़रूरत है, बाकी की कार्रवाई हम खुद कर ले सकते हैं। मैं साहब से गुजारिश करता हूँ वो दो बात आप भी कहिए और ये हमारा लेटर है इसका रिसीव्ड कापी हमें दीजिए।